क्या दोस्तों, आपके अभी फेसबुक के स्टोरी पे 10, 20, 50 व्यू आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद यह झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसके बाद 10, 20, 50 व्यू का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आखिर कैसे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्टोरी डाला था जिसपे 2.6K से भी ज़्यादा व्यू है, यस 2.7K भी पहुँचने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2600 व्यू वाले में मैं जाकर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 2658 व्यू है, यह 2700 पूरने वाला है। आखिर कैसे, इस वीडियो में कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ। आप क्या करते हैं, अपनी फेसबुक प्रोफाइल की प्रॉपर सेटिंग करके नहीं रखते, जिसके कारण आप जो भी स्टोरी डालते हैं वो वायरल नहीं होता। लेकिन मैं इस वीडियो में जो जो सेटिंग आपको बताऊंगा ना, उसे आप ऑन कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपकी फेसबुक की स्टोरी डालते ही वायरल हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपकी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं चले आऊँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और इस प्रकार से आपको भी चले आना है अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। उसके बाद सिंपली फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद पहले मैं अपना व्यू दिखा देता हूँ अपने स्टोरी पर, ताकि आपको यकीन हो जाए। मैं सिंपली अपने प्रोफाइल पर क्लिक करके प्रोफाइल में चले जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, आप कहेंगे कि आपका फॉलोअर ज़्यादा होगा इसलिए आपका व्यू ज़्यादा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ मेरा 4.3K फॉलोअर है, इतना तो आपका होगा ही। तो इतना ही फॉलोअर में आखिर वायरल कैसे कर लिया मैंने स्टोरी, आखिर कैसे इतना व्यू गया। तो मैं जो सेटिंग बताना हूँ वो प्रॉपर आपको सेटिंग करना होगा। सबसे पहले मैं बैक चले जाता हूँ। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर चले आना है, इस प्रकार से अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर चले आना है। उसके बाद ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिखेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचा की ओर आना है। नीचा की ओर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग है प्राइवेसी का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक और आपको सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा आपका, आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचा की ओर रहना है। नीचा की ओर आइएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्टोरेज का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। स्टोरी पर क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टोरी पर और इसी पर आपको पहले वाले पे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड में सेलेक्ट होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स में सेलेक्ट होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फ्रेंड्स में सेलेक्ट होगा ना, इससे होता क्या है, जो भी आप स्टोरी डालते हैं आपका जितना भी फ्रेंड है ना, सिर्फ उनके पास ही आपका स्टोरी जाता है, जिसके कारण आपका रीच हाई नहीं होता और व्यू नहीं जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पब्लिक में सेलेक्ट कर लेना है और नीचे से सेव कर देना है। पब्लिक में सेलेक्ट कर लेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आप जब भी ये स्टोरी डालेंगे तो आपके फ्रेंड के अलावा सभी जगह स्टोरी जाएंगे, चाहे वो आपको फॉलो किया हो या ना हो, या आपका फ्रेंड हो या ना हो, फिर भी आपका स्टोरी आपको उसको देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या ना हो। पहला सेटिंग आपको ये कर लेना है, आपको सिंपली बैक चले आना है। यहाँ से पहले सेटिंग कर लेने के बाद यहाँ से आपको सिंपली बैक चले आना है, बैक चले आना है एक बार। और बैक आने के बाद यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट। आपको देख सकते हैं ये स्टोरीज के नीचे ही आपको थोड़ा सा फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको सिंपली आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, पहले आपको उस जो स्टोरेज सेटिंग है उसको ऑन कर लेना है, पब्लिक में सेलेक्ट कर लेना है, और दूसरे में आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पहले देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स में सेलेक्ट है, यहाँ पे जितना भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, सभी में आपको पब्लिक सेलेक्ट करना है। आपको अलग अलग सेलेक्ट होगा, आपको सिंपली सभी में पब्लिक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते फ्रेंड में सेलेक्ट है, मैं सिंपली यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ, या पब्लिक ऑलरेडी है। यहाँ पे आप में पब्लिक सेलेक्ट नहीं होगा, आप में फ्रेंड सेलेक्ट होगा, आपको पब्लिक सेलेक्ट करना होगा जाकर यहाँ से। यहाँ पे सभी में पब्लिक है क्योंकि मैंने पब्लिक सेलेक्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक का ऑप्शन नहीं है, लेकिन एवरीवन का ऑप्शन है। एवरीवन का मतलब ही पब्लिक ही होता है, सभी के पास। एवरीवन मतलब सभी के पास। इस तरह से आपको सभी में सेलेक्ट कर लेना है पब्लिक। उसके बाद नीचा में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सो मोस्ट रिव्यूज कॉन्टेंट कॉमेंट फर्स्ट, आपको इसको ही ऑन करके रखना है। ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं एक और ऑप्शन आपको नीचे में दिखाई देगा, ऑफ फेसबुक प्रीव्यूज, आपको सिंपली इसे भी ऑन करके रखना है। और नीचे में जो ब्लैक लिस्ट फिल्टर है इसे ऑफ करके ही रखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं बैक चले आता हूँ। इसको आपको प्रॉपर सेटिंग करना होगा, याद रहे इसको आपको प्रॉपर सेटिंग करना होगा। सभी में पब्लिक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सिंपली यहाँ से बैक चले आना है। आपका खेल खत्म। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली बैक चले आना है। ये दो सेटिंग ही करना है आपको,
दो सेटिंग कर लेने के बाद आपको बैक चले आना है अपने प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे जो थ्री डॉट है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, सॉरी थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशनल मोड है वो ऑन है। मैं सिंपली यहाँ से बैक आता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यह क्या है, एक प्रोफाइल है, यह पेज नहीं है फिर भी यह पेज की तरह दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 4.3 के फॉलोअर दिखाई दे रहा है। इससे आपको क्या करना है अपने प्रोफाइल को पेज में बदल लेना है। अगर नहीं बदलने आता है तो मैं उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जिससे आप अपने प्रोफाइल को पेज में बदल सकते हैं। आपको उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद अपने सिंपली आपको अपने प्रोफाइल को पेज में बदल लीजिएगा। इससे क्या होता है आपकी जो प्रोफाइल होती है ना उस पर रीच ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप अपने प्रोफाइल को एक पेज में बदल लीजिएगा ना तो उसका रीच हाई हो जाता है और जो आपका फ्रेंड होता है वो फॉलोअर में बदल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है सिंपली उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वह जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको अपने प्रोफाइल को पेज में बदल लीजिएगा, उसके बाद रीच हाई हो जाएगा। और ये दो सेटिंग कर लेना है, बस आपका खेल ख़त्म। अब आपको क्या करना है यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट स्टोरी, यहाँ पे जो प्लस वाला दिखाई दे रहा है क्रिएट स्टोरी, आपको क्या करना है यहाँ पे थोड़ा देर प्रेस करके रखना है। आप जैसे ही थोड़ा देर प्रेस करके रखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको पहले में दिखाई देगा स्टोरी अचीव, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में जो सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई देगा सी ऑल स्टोरी सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जैसा कि आपको सेटिंग से शो हुआ होगा, वैसा ही जैसे मैंने पहले ही आपको दिखाया है इसी तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे स्टोरी प्राइवेसी पे क्लिक करना है और यहाँ से देख लेना है आपका प्रॉपर सेटिंग ऑन है या नहीं, यहाँ से पब्लिक है या नहीं। इसको आपको डालते समय जरूर एक बार देख लेना है कि आप जो सेटिंग आपने वहाँ से ऑन किया है यहाँ पे पब्लिक है कि नहीं। यहाँ पे पब्लिक सेलेक्ट होगा तो बैक आकर सिंपली आपको यहाँ से कोई भी स्टोरी लगा दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा ना और बैक आइएगा। उसके बाद जो भी आप स्टोरी डालिएगा ना तो वह डालते ही वायरल हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप प्रॉपर सेटिंग कर लीजिएगा ना, उसके बाद अब जो भी स्टोरी डालिएगा वह एक घंटा में वायरल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है थोड़ा सा क्रिएटिव वीडियो डालना है। आपको क्या करना है थोड़ा सा क्रिएटिव वीडियो डालना है। मैंने क्या किया था इंस्टाग्राम से जो रील होता है ना उसे डाला था, क्योंकि उसका रीच हाई है पहले से इंस्टाग्राम पर और इसे मैंने डाला था, यहाँ पर भी उसका रीच हाई हो गया। पहले आपको क्या करना है ऐसी वीडियो डालना है जिसका रीच हाई हो सके, जिससे क्या होगा आपकी प्रोफाइल की रीच हाई होगा। उसके बाद आपको कोई भी स्टोरी डालेगा ना तो डालते ही हज़ारों में पहुँच जाएगा। याद रखना है कि आपको क्रिएटिव वीडियो डालना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।